मैंने कलर कराया था। मेरे यहाँ लक्ष्मी माता हैं ये दोनों। I'm Neha and welcome back to my channel Simply Beautiful। तो यार आज है 4 September and yes, अगर आपने last vlog नहीं देखा है तो please देखो जाके। मैं उसको ले आई थी अपने साथ राखी पे जब मैं दिल्ली गई थी, तो उस समय मेरे घर पे आई हुई है एंड दो तीन दिन से वो है मेरे साथ। बहुत मज़ा आ रहा था, मैं तो मन ही नहीं करता vlog करने का, like मन कर रहा था vlog करने का, but यू नो जब होता है कोई अपना ना तो फिर उसके साथ ही हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर नहीं टाइम मिल पा रहा था। बट आज मैंने अपना सोचा कि मैं आज रिकॉर्ड करूँगी, स्टार्ट करना चाहिए मुझे व्लॉग, क्योंकि मुस्कान बना रही है पालक पनीर। यस, तो फाइनली वो पालक पनीर बना रही है, तो मैंने सोचा आज इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो यार चलो दिखाती हूँ आपको वो कर क्या रही है फाइनली। मुस्सू मुस्कान बताइए कैसा लग रहा है आपको मेरे रसोई में पालक पनीर बना के? इतना बड़ा सौभाग्य मिला तुम्हें। कैसा लग रहा है तुझे घर पे, सच्ची बताइयो? अच्छा। इसको थोड़ी थोड़ी बोरियत भी हो रही है क्योंकि हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए ना अभी तक, है ना? हाँ यार, एक्चुअली राधे का स्कूल था तो हम नहीं जा पाए, पर कल यार राधे की छुट्टी है 5 सितंबर की यार। हाँ पता नहीं यार, हमारे टाइम पे तो बच्चे बन के जाते थे ना टीचर वगैरह, पर उसकी छुट्टी कर रखी है, मतलब 5th क्लास तक की छुट्टी है, तो देखो हो सकता है कल हम लोग घूमने जाएं। यार सब्जी ना सच में बहुत टेस्टी बनी थी, मुस्कान ने बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाई थी। अब मैं यही सोचती यार वो चली जाएगी 2-4 दिन में, तो फिर मैं कैसे रहूंगी? सिस्टर की ना बात ही अलग होती है, लाइक जब आपकी शादी हो जाए आपकी सिस्टर आपके साथ रहने आए तो उसका अलग ही मजा है। मेरी शादी हुई ना तब से मुस्कान मेरे पास आती रहती है, तो एक अलग सा ही लगाव हो गया। दिन भर बच्चे भी मासी मासी करते रहते हैं, तो पता नहीं हम लोग कैसे रहने वाले हैं उसके बिना। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई थी मुश्किल से मेरे पास। ऑलराइट गाइस, तो अब बच गया है 1 एंड अब हम दोनों फाइनली जाके फ्री हो चुके हैं और सब लोग घर में सो गए हैं, तो बस मुस्कान ने भी अपना काम निपटा लिया है, मैं भी फ्री हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं बालकनी में क्योंकि चांद बहुत सुंदर, चांद देखा तूने? बहुत सुंदर चांद निकला हुआ है। चलो मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ एंड फिर हम लोग चाय भी पीने वाले हैं। पिएगी चाय, पिएगी कॉफ़ी? चाय, चाय जिंदाबाद, तो चाय पिएंगे। चलो मैं आपको पहले व्यू दिखाती हूँ। आ मुस्कान, इस रूम से भी यार बहुत अच्छा व्यू दिखता है, ये देखो कितना सुंदर चांद निकला हुआ है। ओह माय गॉड, अब मौसम बहुत ब्यूटीफुल आने वाला है। यार एक्चुअली हम लोग ना चीनी डालना ही भूल गए थे चाय में, बकवास करते करते ये मुस्कान भूली है, मैंने तो बोला था डाल दियो चे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यार आज है वेंसडे एंड आज अर्ली मॉर्निंग हो रखा है समय। आज कृषि को जाना है राधा बन के स्कूल में, उसको स्कूल में जन्माष्टमी मनाई जाएगी लाइक हाफ ऑफ द डे एंड बाकी हाफ डे उसको नॉर्मल उसका स्कूल का दिन बीतेगा। तो उसके लिए ना यार मैंने नूडल्स तैयार कर दिए हैं, उसको नूडल्स ले जाने का बहुत मन कर रहा था। रात में उसने खाया तो उसने कहा मुझे मॉर्निंग में भी नूडल्स भेजने हैं, तो मैंने कहा चलो घर पर फटाफट से उसके लिए बना देती हूँ। तो बस नूडल्स प्रिपरेशन हो गई है एंड अब मैं उसको फटाफट से तैयार करने वाली हूँ राधा के जैसे। Now the chowmein is ready। तो बहुत ही सिंपल रखा है यार, बच्चे को स्कूल में खानी होती है, बस हल्का सा नमक डाला है, मतलब जितना नमक डालना चाहिए उतना नमक डाला है एंड हल्की सी लाल मिर्च डाली है, विनेगर डाला है एंड सोया सॉस, दैट्स इट। तो बन गए हैं हमारे यमी यमी नूडल्स। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये हो गई है हमारी राधे रेडी। वाह, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। राधे अभी शूज और वो पहनने हैं, सॉक्स। आर यू फीलिंग ब्यूटीफुल? यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। क्लोज योर आइज अ बिट। वाह ठीक है, चलो
हमारी राधा रानी रेडी हैं। यार लंच में है, ये है आलू करफली की सब्जी, दाल सैलेड, रोटी और है रायता। सर हटो बेबी। सर मैंने ना ये भी सब वॉश कर दिया क्योंकि मुझे फ्रिज रसिया ध्यान से क्योंकि मुझे फ्रिज क्लीन करना था एंड अभी मेरा मंदिर बचा है, कल जन्माष्टमी है उसके प्रिपरेशन के लिए, तो ये काम हो गया, बस अब मुझे रखना है सारा सामान। यार मैं सोच रही हूँ फटाफट से मंदिर साफ कर दूँ, मंदिर बहुत गंदा रखा है एक्चुअली ना, कल बहुत ज़्यादा हवा एंड और चल रहा था तो ना बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी आ जाती है, 11th फ्लोर पे है बट यही रहता है। एंड यहाँ पे मैंने सारी माला वाला भगवान के सब कपड़े भिगो रखे हैं, बस सारी ना सारे भगवान जी को नहलाने के लिए, सारी मूर्तियों को नहलाने के लिए मतलब अच्छे साफ क्लीन करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ शावर जेल। इस समय मेरे पास बॉडी शॉप का है, मतलब जो भी होता है मैं वही यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे ना ये तो बहुत ही वैसे भी अच्छा है, आप चाहो तो आप भी अपने लिए यूज़ कर सकते हो, भगवान जी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मैं उनको इससे अच्छे से वॉश करूँगी अभी एक एक मूर्ति को। फिर बाकी जो मूर्तियाँ ना पत्थर की हैं बट ये जो गणेश जी है ना मेरे एंड लक्ष्मी माता हैं ये दोनों मिट्टी के बने हैं, तो इनको मैं जल्दी से बस क्लीन कर लूँगी नहीं तो पानी भर जाएगा। और यार ये जो है ना ये मैं लाई थी वैष्णो देवी से, मैं गई थी मतलब अपनी पूरी इन लॉज की फैमिली के साथ ना, तो वहाँ से हम लोग लाए थे। तो मैंने क्लीन तो कर लिया भगवान जी और कल टीका भी का इनका करूँगी प्रॉपर, अभी तो बस जोत जलाऊंगी। गाइज सो आई एम डन विद ऑल द क्लीनिंग फॉर द जन्माष्टमी, मैंने सारी सफाई कर ली है, मैंने फ्रिज साफ कर लिया है, मैंने मंदिर साफ कर लिया है, मैंने जोत भी जला दी है एंड अब मैं जा रही हूँ बाहर। यस हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुस्कान थी मेरी हेल्प करने के लिए बट फिर भी यार थकावट तो हो ही जाती है, तो अब मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं, वो जब से आई हम उसको थोड़ा सा भी घुमाने नहीं ले गए हैं एंड मैं सोचा घर पर तो मंगा के खाते रहते हैं, चलो उसको थोड़ा सा बाहर घुमा देते हैं। तो यार दिन में तो इतनी गर्मी होती है कि हम निकल ही नहीं सकते, बट इस समय मौसम बहुत सुंदर हो गया है एंड टाइम हो गया है 6:30, तो चलो यार चलते हैं थोड़ी मौज मस्ती करके वापस आते हैं। हेलो क्या खाना सिया? तो यार डिनर में हमने खाया था पाइनएप्पल रायता, गट्टे की सब्जी जो कि राजस्थान की फेमस सब्जी है एंड थी कढ़ाई पनीर, था सैलेड, रोटी एंड नान। तो सिया और उसके पापा ने तो रोटी खाई थी, उन लोगों को रोटी पसंद आती है, बाकी हम सब ने नान खाया था, मुझे तो मतलब नान ही ज़्यादा अच्छा लगता है, रोटी तो यार घर में मिल जाती है एंड द फूड वॉज रियली फुलफिलिंग एंड टेस्टी ऑफकोर्स।
ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक एट होम। बहुत ही बढ़िया डिनर था, काफ़ी टेस्टी खाना था एंड बहुत मज़ा आया। एंड बट हम लोग जल्दी आ गए हैं, लाइक अभी 9:30 बजा है, क्योंकि मुस्कान क्योंकि कल है जन्माष्टमी, तो हमें उसकी तैयारी करनी है। कल मेरा जन्माष्टमी का फास्ट रहेगा एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट ब्लॉग भी जन्माष्टमी का आने वाला है, तो प्लीज़ मिस मत करना। एंड अगर ये आपको ब्लॉग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। सी यू सून, बाई।